हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो मार्च सबसे अच्छा मंथ होता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, क्योंकि मार्च क्लोजिंग में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी मिलते हैं। अभी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड कई सारे बैंक बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री इशू कर रहे हैं, जो कि जनरल डेज में चार्जेस के साथ ही मिलते हैं। तो इस मौके का आप फ़ायदा उठा लीजिए, कई सारे क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर लीजिए, काफी ज्यादा चांसेस आपके सभी कार्ड अप्रूव हो जाएंगे। और मैंने आपको इनकम टैक्स वाले इस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो अगर आप उन कार्ड से अच्छा स्पेंड भी कर लेंगे, यानी साल के 3-4 लाख 5 लाख का स्पेंड भी कर लेंगे इंडिविजुअल हर एक कार्ड से, तब भी काफी रेयर चांसेस है आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आएगा। क्योंकि अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड होगा तो अगर आप उससे 8-9-10 लाख रुपए का स्पेंड कर लेंगे तब भी चांसेस आपके पास नोटिस आ जाएंगे। और अगर सेमी बैंक के 2 या 3 कार्ड भी आप यूज करते हैं तब भी अगर आप इतना यूज कर लेंगे तो काफी ज्यादा चांस आपको नोटिस मिल जाएंगे। लेकिन अलग अलग बैंक के कार्ड अगर आपके पास होंगे तो एक एक कार्ड से भी अगर आप 4-5 लाख रुपए स्पेंड कर लेंगे तब भी बहुत ही कम चांस है आपके पास किसी तरह का इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और सबसे बढ़िया बात है, अभी कई सारे कार्ड्स आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं और बेनिफिट्स आपको एज इट इज मिलेंगे जो इन कार्ड्स में आपको रेगुलर मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 से 6 क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप मार्च 31 से पहले अप्लाई कर लीजिए, काफी ज्यादा चांसेस आपके कार्ड अप्रूव हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो कौन कौन से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स है जो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं और आपको आराम से मिल भी सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपील करूंगा, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में मैंने जो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को रखा है जिसे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और काफी ज्यादा चांस है वो कार्ड आपका अप्रूव भी हो जाएगा, वो है दोस्तों इंडसइंड बैंक का लेजेंड क्रेडिट कार्ड। ये इंडसइंड बैंक का एक प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन फिलहाल ये कार्ड आपको टोटली लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो आप इस कार्ड को अप्लाई करने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए, फटाफट इस कार्ड को अप्लाई कर लीजिए। इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस कार्ड में आपको हायर रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन वीकेंड्स ₹100 = 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वीकेंड में अगर आप इस कार्ड से ₹100 स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स की कीमत ही ₹1.5, क्योंकि 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की कीमत है 75 पैसे। तो वीकेंड पे इस कार्ड से स्पेंड करने पे, यानी सैटरडे संडे आप इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। वहीं अगर आप वीकडेज में इस कार्ड से स्पेंड करेंगे, यानी मंडे टू फ्राइडे, तब उस केस में आपको 100 स्पेंड पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 75 पैसे। यानी वीकडेज में आप इस कार्ड से स्पेंड करते हैं 0.75% का कैशबैक मिलता है। इस कार्ड से अगर आप साल में 6 लाख रुपए स्पेंड कर लेंगे तो आपको 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मूवी टिकट्स बुकिंग करते हैं तो 1 महीने में आपको 3 बार मूवी टिकट बुकिंग करने पे 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर महीने में आप 6 टिकट बुक करते हैं तो 200 रुपए वर्थ की 3 टिकट्स आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, यानी कि 600 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कार्ड में आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। तो अगर आप इंडसइंड बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडसइंड बैंक के लेजेंड क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड आपको वैसे भी हर समय लाइफ टाइम फ्री ही मिलते हैं, लेकिन अभी ये कार्ड काफी ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं तो आप इस चांस को मिस मत कीजिए, अपना IDFC फर्स्ट बैंक के कार्ड आज ही अप्लाई कीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। अगर आप महीने में 20,000 से ऊपर की स्पेंडिंग इस कार्ड से कर लेंगे तो आपको उस स्पेंडिंग पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि किसी भी कार्ड पे नहीं मिलते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने का कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। अपने बर्थडे वाले दिन आप इस कार्ड से कुछ भी स्पेंड करते हैं तो आपको फ्लैट 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऑफलाइन इस कार्ड से कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऑनलाइन और कहीं भी आप इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। IDFC फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेटीएम के थ्रू मूवी टिकट्स बुकिंग करते हैं तो आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है मूवी टिकट बुकिंग पर। IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज एक्सेस भी बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं।
साथ ही अगर आप IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ATM से पैसे भी विड्रॉ करते हैं तो 48 डेज तक आपके उस विड्रॉल पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता। साथ ही इन कार्ड्स में आपको मूवीज और डाइनिंग्स के भी काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तीसरा जो कार्ड है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड तो मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है। ये कार्ड जनरली आपको 500 प्लस GST के चार्ज पे मिलता है, लेकिन अभी इस कार्ड पे 31 मार्च तक ऑफर चल रहा है। आप ये कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री ये कार्ड मिलेगा, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं है। स्विगी पर अगर आप एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको वहां पे फ्लैट 40% का डिस्काउंट अप टू 120 पर ऑर्डर मिल जाता है, और इस ऑफर का फायदा आप महीने में 4 बार उठा सकते हैं। वेलकम बेनिफिट के तौर पे अभी आप एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको 500 का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड भी मिल जाएगा। पेटीएम से मूवी टिकट्स बुकिंग करेंगे अगर आप एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड से तो आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिलता है, जहां पे आपको मैक्सिमम 250 रुपीज का सेकेंड टिकट पे इंस्टेंट ऑफ मिल जाता है। साथ ही अभी इस कार्ड में आपको सोनी लिव की 999 रुपए की बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है एज अ वेलकम ऑफर। इस कार्ड में आपको साल के 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलते हैं, और अगर आप इस कार्ड से आजियो के थ्रू ऑर्डर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर तो 2000 के ऑर्डर पर आपको फ्लैट 600 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सिस बैंक के कई सारे रेस्टोरेंट के साथ पार्टनर्स है, वहां पे अगर आप डाइन इन करते हैं इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां पे भी आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये कार्ड जरूर से जरूर अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, मैं उसे रेगुलर काफी ज्यादा यूज करता हूँ। चौथा जो कार्ड है दोस्तों वो इंडसइंड बैंक का ऑरा एज क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड में आपको 100 रुपीज के स्पेंड पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स की कीमत है 40 पैसे। इस कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, और अभी आपको इंडसइंड बैंक का ऑरा एज क्रेडिट कार्ड भी बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो आप इस कार्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। पांचवा कार्ड है दोस्तों इंडसइंड बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड में आपको 1.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एवरी 150 स्पेंड पर। आपको 10 लाख रुपए तक का ट्रेवल इंश्योरेंस भी मिल जाता है। साथ ही इस कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू ₹25 लाख मिलता है। छठा कार्ड जो अभी काफी ज्यादा डिमांड में है दोस्तों वो है AU बैंक का LIT कार्ड, जिसे आप लिट क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं। ये एक कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड है जहां पे आप बेनिफिट्स अपने मन से खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इंडियाज ओनली कस्टमाइजेबल कार्ड वेयर यू कैन चूज फ्रॉम रेंज ऑफ बेनिफिट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये कार्ड भी टोटली लाइफ टाइम फ्री है, और इसमें आप अपनी तरफ से भी फीचर्स एड ऑन करवा सकते हैं, जो कि टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। एड ऑन्स आप करवा सकते हैं जैसे कि एयरपोर्ट लॉन्च विजिट, एडिशनल 5% कैशबैक ऑन अचीविंग माइलस्टोन्स, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स जो कि 10x तक आपको मिल सकते हैं। तो आप इन 6 क्रेडिट कार्ड्स में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, सभी क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे और सभी में आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके वहां से अपना मनपसंद क्रेडिट कार्ड आज ही अप्लाई कीजिए, लाइफ टाइम फ्री है। तो अगर आप कार्ड को ज्यादा यूज भी नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगले साल इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज एक लाइक करना ना भूलें।